हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स कि हम कैसे कुछ ही सेकंड्स में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो डिजिट नंबर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको टेबल टेबल की अगर मैं बात करूं तो टेबल हमें अराउंड हमें 10 तक तो आते ही हैं, तो उसके बाद 11 से लेके 22, 23 तक ये आने चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर ये आते होंगे तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मतलब आपको इंस्टेंट आंसर आना चाहिए, जैसे किसी ने पूछ लिया 17-4 क्या, तो आपको पता होना चाहिए 17-4 68। तो 79 पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए 153 होता है। तो अगर 17-9 पूछ लिया, वही 18-8 पूछ लिया तो 144। आपके बिल्कुल आंसर मतलब जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इसको ट्रिक से याद कर लो। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं जो हमारी आज की वीडियो है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम जल्दी से। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 22 × 31, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 22 × 31। इसको अब सॉल्व कैसे करना है, तो इसको ऐसे लिख लिया, माइंड में करना है पहले, सॉल्व करके बताया तो ज़्यादातर हम से सब माइंड में करेंगे। तो 22 और 31 ऐसे लिख लेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 तो कितना होता है 2, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद इन दोनों वर्ड इन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6 और 2, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद जो ये बीच वाले हैं इनको डायगनली मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। कैसे करना है, 3 2 कितना होता है 6 प्लस 2 1 से कितना होता है 2, तुम्हारा कितना आंसर आ गया 8। तुम्हारा जो आंसर फाइनल आंसर कितना है 6 8 2। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें टाइम बहुत लग रहा है, बट विश्वास रखें मुझ पर, ये काफ़ी ज़्यादा आसान ट्रिक है, ठीक है। अब मैं अगला बताता हूँ, अगला क्वेश्चन आप भी मेरे साथ करो। 54 × 32, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 54 × 32, ठीक है। अब क्या करना है, 4 2 का कितना होता है 8, 5 3 का कितना होता है 15, मैंने यहाँ पर लिख लिया 158, ठीक है। उसके बाद बीच वाले मल्टीप्लाई करना, ये सारा आपने दिमाग में करना है, ठीक है। मैं तो वैसे ये ड्रॉ पेन से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, बट आपने ये सारा कुछ दिमाग में करना है। 4 3 12 और 5 2 10, 10 और 12 कितना होता है 22, वो हमने यहाँ पर लिख देना है 22, एक छोड़ के लिख देना है। मतलब ऐसे लिखना है कि यहाँ पर जैसे ये दो डिजिट है ना, इसको हम ऐसे लेंगे 5 15 और 0 8, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ से एक छोड़ के लिखना है, जो 22 है वो लिखना है ये वाला, ठीक है। अब मुझे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 7 2 8। तो 54 × 32 हमारा कितना होता है 1 7 2 8, ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 73 × 45, ये कैसे करना है, इसको पहले ऐसे लिया 73, यहाँ पर 3 आएगा एंड 45, ठीक है। 5 3 15, वो मैंने यहाँ पर ले दिया। 7 4 28, मैंने यहाँ पर ले दिया। अब 7 5 35, 4 3 12, 35 प्लस 12 कितना होता है 47, 47 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 47 मैंने यहाँ पर लिख के, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 8 5, ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर। इसको और जल्दी हम करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम कर पाएंगे। जैसे हमारा और आगे बता देता हूँ, 76 × 53, ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना है, 6 12 6 18, ठीक है। अब 18 हो गया, 7 5 कितना होता है 35, अच्छा। अब उसके बाद 6 5 30, 30 प्लस 21, 30 प्लस 21 कितना होता है 51, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 0 2 8, ठीक है, इतना आ गया। ये थे हमारे 2 डिजिट के कुछ ट्रिक्स, आपने जल्दी कैसे करने हैं मैंने बता दिया। फिर से बताया तो पहले एग्जांपल से कि सॉल्व कैसे करना है, कि पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो उसके बाद इंटर क्रॉस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसके प्लस कर देना, 3 2 6, वो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, 3 2 6, ठीक है। उसके बाद 2 × 1 2 होता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोनों को ऐड करके जो 8 आ गया वो हमने 8 यहाँ पर लिख देना, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद अगली ट्रिक जो अगला हमारा हमारे पास है, वो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये एक स्पेशल ट्रिक है, ठीक है, यूज़ कहाँ पर करनी है, जहाँ पर
दो डिजिट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, टू डिजिट नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद क्या करना है, हमने कंडीशन देख ली है कि जो लास्ट डिजिट सम है उनका सम जो है वो 10 आना चाहिए, एंड जो उनका वंस वंस प्लेस मतलब वंस प्लेस को कुछ भी करे वो 10 आना चाहिए। जैसे 10 कैसे आएगा, अगर हम 3 + 7 होएगा, मतलब लास्ट में दो डिजिट नंबर की बात करें तो लास्ट में एक वैल्यू की 3 होएगा, पीछे एक 7 होएगा, ठीक है, और 2 और 8 हो गया तब 10 आ जाएगा, 5 और 5 हो गया तब 10 आ जाएगा, 6 और 4 आ गया तब 10 आ जाएगा। तो ऐसे डिजिट्स जिनके पीछे जो ऐसा नंबर आए जिनको हम प्लस करें और 10 ना दें, एंड जो उनकी जो 10th प्लेस है मतलब स्टार्टिंग वाली प्लेस है वो उनकी रेंज सेम हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको एकदम समझ आ जाएगा। जैसे 72 × 78, ये इतना समझ आ गया, 72 × 78। अब ये लास्ट दो डिजिट देख रहे हैं आप, इनको प्लस करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है। मैंने एक और कंडीशन बताई थी, इस कंडीशन में क्या है, जो 10th प्लेस में जो नंबर है वो हमारा इतना कितना है, 7 और 7 बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, यहां पर ऐसे लिख दो 72 × 78, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 16, ठीक है ना। अब ये 7 है ना, अब 7 के बाद वाला नंबर कितना होता है, 8, तो 7 × 8 कर दो कितना आता है, 7 × 8 होता है 56, तो ये हमारा कितना आ गया आंसर। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो चाहे, इतना आसान ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 72 × 78 को कैसे सॉल्व करना है, 5616, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया लास्ट डिजिट को देखना है, प्लस करना है, प्लस करके क्या आना चाहिए, यहाँ पर प्लस करके आना चाहिए 10। उसके बाद अगली कंडीशन देखने की, जो पहले जो 10th प्लेस पे दोनों के नंबर हैं वो सेम रेंज में है, 7 7 6 6 5 5, तो ऐसे अगर ऐसे हैं तो इसको पकड़कर उसको मल्टीप्लाई करना उसके अगले डिजिट से, ठीक है ना। 7 × 8, अगर यहाँ पर 6 होता, अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 × 7 कर लेते, तो 42 हुआ था सामने आया था, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा, 43 × 47, ठीक है, और क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है कि 7 + 3 करेंगे 10 आएगा, एक कंडीशन पूरी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 4 × 4 करेंगे, मतलब ये सेम रेंज में है ना, सेम रेंज में ना, मैंने क्या कहा था अगले डिजिट को पकड़ना है 4 × 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2021। देखो इतनी आसान ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, एक सेकंड में सॉल्व हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, 56 × 54, सेम वैसा ही है, 6 × 4 = 24 मैंने पिछले लिया, 5 × 6 मतलब मैंने कहा था ना अगले डिजिट को पकड़ना है, 5 × 6 कितना देगा, 30, तो आंसर क्या देगा, 3024। आप कैलकुलेटर में चेक कर लें, आंसर यही है हमारा, ठीक है ना। अब इतनी आसान ट्रिक, उसके बाद एक और बताता हूँ लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, अगर नहीं क्लैरिफाई होगा तो बिल्कुल मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, 65 × 65 लार्ज डिजिट देख रहे हो आप, प्लस करके क्या आ जाएगा, 10, ठीक है ना, अगर आप प्लस करेंगे हम। उसके बाद ये क्या है, सेम रेंज में है, तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है अगली डिजिट के साथ, 7 6 = 42, 5 5 = 25, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 65 × 65 = 4225, ठीक है, समझ आ गया, इतना इतना समझ आ गया। उसके बाद हम मैं आपको और कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, डेसिमल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। अब डेसिमल को सॉल्व कैसे करना है, अब वो आ गया, ठीक है। अब डेसिमल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ 3 पॉइंट्स हैं, जिस 3 पॉइंट्स को आपने दिमाग में रखने हैं, वो कौन कौन से हैं, कि 0.5 अगर जहाँ पर भी आ जाए, 0.5 आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, 1/2 के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास 0.25 आ जाए उसको आपने कैसे ट्रीट करना है, 1/4, इतना समझ आ गया। उसके बाद अगर हमारे पास 0.125 आ जाए तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, 1/8, इतना समझ आ गया आपको। ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी, बस डेसिमल में ये 3 चीज़ें आपको काम आएंगी, एक 0.5 को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1/2 के साथ, 0.25 को कैसे करेंगे, 1/4 के साथ, 0.125 को कैसे डिनोट करेंगे, 1/8 के साथ, ठीक है, ये समझ आ गया हमको। उसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देख के आपको और भी पता लग जाएगा, 48 × 1.5, अब इसको हमने सेकंड्स में सॉल्व करना है, मिनट्स में नहीं, हमको इसको सेकंड्स में सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, 48 × 1.5 है ना हमारे पास, अब क्या करना, इसको तोड़ लो, 48 को तोड़ लो, ये क्या टूटेगा, 1 + 1/2, ठीक है, ये आपने सब माइंड में करना है, मैंने तोड़ लिया, अच्छा जी, तोड़ने के बाद क्या करना है, अब 48
अब मल्टीप्लाई कर दो पहले इसको इसके साथ, फिर 48 को इसके साथ, ठीक है। अब 48 इंटू 1 कितना देगा, 48 प्लस, हमने प्लस करना ना, 48 प्लस हाफ कितना, इसको हाफ करना है हमने, तो कितना देगा हमारे पास 24, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 72, आंसर आ गया। तो 48 इंटू 1.5 कितना होता है 72। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि आपको जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे विद रिलेटेड टू, अगर हम बात करें कंपटीशन की, एसएससी, क्लरिकल, बैंकिंग, पीओ, कुछ भी, मतलब आपको कंपटीशन में क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जो सिंपली सॉल्व हो पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी, डेट्स इट। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपने, ये ट्रिक को अच्छी तरह याद रख लो, कहाँ कहाँ यूज़ करनी है वो याद रख लो, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई डिफरेंट सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई ट्रिकी सवाल नहीं आएगा, आएगा ऐसे ही बस। अगर आपको आता आएगा, आप ट्रिक लगा सकोगे तो आप ठीक है पास हो, ठीक है। उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 128 इंटू 2.25। अब देखने को तो ये काफ़ी डिफिकल्ट सा सवाल लग रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने कहा था तोड़ दो, ये सा करना है आपने माइंड में है, ठीक है ना। तो 2 प्लस 0.25, ठीक है ना। अब 2 2 तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। इसको आपका डबल करना है, कितना आ जाएगा 256, ठीक है, आपने कर लिया डबल। अब उसके बाद ये 128 128 का हमने क्या करना है, चौथा हिस्सा करना है। अब मैंने कहा था ना 0.25 है, तो 0.2 का क्या करेंगे 1/4, इसको अब डिवाइड करना है 4 के साथ। अब वो 4 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 32, ठीक है ना। 4 3 12, 4 2 8, हमारे पास 32 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 288। कितना आसान है, आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आपने ये जो तीन टेबल्स मैंने ये बताए हैं, जो 0.5 को 1/2 डिनोट करना है, उसके बाद ये टेबल है एंड ये टेबल है, आपको इन टेबल्स को याद करना, डेट्स इट, ठीक है ना। तो अगर ये आपको टेबल्स आते होंगे तो आप जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व कर ले कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन, तो इससे पहले रब कर लेता हूँ। तो आप इसके साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, बार बार वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ आएगा, ठीक है बिल्कुल ही आसान सा सवाल है ये। उसके बाद हमारे पास अगला है 28 इंटू 1.25। अगर देखो जिनको नहीं ट्रिक आएगी वो क्या करेंगे, पहले अगर वो मतलब जिनको नहीं आएगी ट्रिक वो क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 28 इंटू 1.25/100, ठीक है। फिर उसको ऐसे सॉल्व करेंगे 1.25/28, सॉल्व का जो आंसर आएगा, फिर वो दो डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। इतना लंबा चक्कर में हमने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, 28 को खोल लेना हमने 1.25 को, ठीक है ना। इसको कैसे खोलेंगे, 1 प्लस 0.25। अब सवाल ही खत्म हो गया हमारा, 28 तो आएगा ही आएगा, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4। अब 28 का 1/4 क्या करेंगे, हमारे पास 7 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपने ये दो अपनी तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें रामबाण ऐसे हैं जो आपको ये डेसिमल जैसे सम को सेकेंड्स में सॉल्व करने को बताएंगे, ठीक है ना। एंड ये पेपर में आएंगे भी ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहा था, कुछ ऐसा डाल देंगे जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। इवन नंबर ज़्यादातर आएंगे हमारे स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, आपको जल्दी से पता लग जाएगा ये वो ऐसा, ठीक है ना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डिस्कस करें, हमको बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो।